नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से फिलहाल हूँ दिल्ली में और अपने दादी के पास आया हूँ आशीर्वाद लेने। हमें खबर मिली थी कि दादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये केवल अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दादी के प्रति एक चिंता थी हम सबको, हम लोग किसान आंदोलन में लगातार लगे हुए हैं, और जब हमें ये पता चला कि पुलिस ने ऐसा कुछ किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज दादी के पास आकर उनका आशीर्वाद लिया है। और मैं तमाम देश के युवाओं से खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये हम लोगों की शक्ति है, ऊर्जा है। इनके हाथ पे जो छड़ियां पड़ी हुई है ना, इसके बावजूद ये दादी देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरी, और हम लोगों की एक प्रेरणा है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि इनको देखिए, अगर ये लड़ सकती हैं तो हम आप तो बहुत युवा हैं। कभी भी गलत के खिलाफ अगर एक छोटी सी भी आवाज उठा के देखिए, अगर दादी कर सकती हैं इस उम्र में। दादी क्या उम्र होगी आपकी? 82 साल। 82 साल। कल क्या हुआ था दादी, पुलिस वगैरह कैसे? पासा गए हैं तो जान ना दिए हम, पुलिस ने जान ना दिए। थोड़ी दूर तो चले, 1 किलोमीटर तो चल लिए हम, और फिर उन्होंने बोले ना हाथ तुम जाओ, तुम्हारा लाल छोड़ दिया। फिर उन्होंने खाने को जाकर छोड़ दिया। बराबर में हमारा बेटा भी है, बराबर में गाड़ी चलाओ। तो ये जो गिरफ्तार किया, ऐसा कुछ नहीं ना दादी? नहीं, कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाया हमसे। आपको हाथ लगाएंगे तो हम लोग रस्तों पे हैं दादी, आप हमारा सम्मान है, गर्व है। ना ना दादी, लगा भी नहीं सकते वो। और तमाम बस युवाओं को ये छोटी सी वीडियो दिखाने का कारण ये था कि ये जो दादी अगर कर सकती है, तो अगर देश की जो टुकड़े किए जा रहे हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ाया जा रहा है, आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए अगर दादी आवाज उठा सकती है, तो हम सब युवा अगर इस चीज को गंभीरता से सोचें तो एक अच्छा, एक स्वर्णिम भारत का हम तैयारी कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं बस आशीर्वाद लेने आया हूं कि जो ऊर्जा दादी के अंदर है, उसके अगर 1% भी, और दादी के अगर पैर के धूल के बराबर भी हम लोग कर पाए, तो अपना जीवन धन्य समझेंगे। मैं प्रणाम करता हूँ दादी, आशीर्वाद ऐसे रखिए आप लोग आवाज उठाएं जहां गलत होता है। दादी से कमजोर नहीं है आप लोग, दादी का एक उदाहरण लीजिए, और जो भी जहां भी गलत दिखे, चाहे जिस मामले में भी, आवाज उठाइए और न्याय के लिए काम करिए। बस इतना सा निवेदन है। हम तो ये कहते हैं गलती करे तो हमारा बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, क्या कोई भी हो, सबको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। देखिए विचार इतने उच्च हैं। अगर हम तक 500 रुपए हो गई तो हमने नहीं कही मोदी जी हमारे घर 4 दिन बैठ जाओ, हम 1 लाख रुपए बैठो तो आप बात तो करो। दादी 1 लाख रुपया देंगी? हाँ, क्या दिया ना, क्या आए ना, पर बात तो कही गई हमने। बहुत बहुत जज्बा है, बस ऐसे ही आप बैठी रहीं, आपका हाथ हम लोगों के सर पे रहे दादी, आप बस आवाज करिए। जहाँ भी गलत होगा हम सब एक साथ हैं, और एक हाँ, तरस का मामला हुआ हम तो वहाँ भी जाना तैयार है, पुलिस वालों ने। जी जी, आपका जज्बा अलग है दादी, आप पूरे विश्व में जानी मानी है। बस ऐसे ही आशीर्वाद रखिए, और आपके बेटों जैसे हैं, बस आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।